स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम स्टेनोग्राफर का वीडियो नंबर 15, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जीके संबंधित पूछे जाने वाले 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अलावा बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ पर संग्रहित होता है? तो होता है पित्ताशय में। पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो है 72 बार। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। मांसपेशी में थकान किस कारण होती है? तो है लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण मांसपेशी में थकान होती है। किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो है गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी क्यों होती है? तो ये विकिरण के कारण। साफ रातें बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। डॉट मैट्रिक्स किसका एक उदाहरण है? तो ये प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का नाम है। कौन सी गैस का उपयोग बल्बों में होता है? तो है आर्गन गैस का। आर्गन गैस का उपयोग बल्बों में किया जाता है। क्लोरीन गैस किसका एक मुख्य घटक है? तो है आंसू गैस का। क्लोरीन गैस आंसू गैस का एक मुख्य घटक है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो होती है 0 से 14 तक। पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक होती है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक तो अम्ल होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षार होता है। कौन सा शीशा प्रदूषक का मुख्य कारण है? तो है ऑटोमोबाइल बैटरी। ऑटोमोबाइल बैटरी प्रदूषक का मुख्य कारण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य घटक क्या है? तो है ओजोन परत के नुकसान से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य घटक ओजोन परत का नुकसान है। सुपरसोनिक जेट किसका विरल करते हैं? तो है परत का। सुपरसोनिक जेट परत का विरल करते हैं। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो था जोसफ एफ डीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसफ एफ डीन ने किया था। नितिन थिमैया किस खेल से संबंधित है? तो है हॉकी से। नितिन थिमैया हॉकी खेल से संबंधित है। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो है तस्लीमा नसरीन ने। एग्जाइल पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यह सार्क का सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो है उत्पादन पद्धति का। भारत में कृषि आय को मापने के लिए उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो थे दादाभाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी ने किया था। चितरंजन रेल इंजन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो है पहली पंचवर्षीय योजना। चितरंजन रेल इंजन की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो है महापौर। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो नंबर 16 में, तब तक के लिए थैंक यू।